दिल्ली में मानसून की विदाई से पहले भारी बारिश हो रही है। राजधानी और आसपास के इलाकों में रात भर बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया है और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 13 सितंबर तक दिल्ली और NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। हालांकि बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या से यातायात बाधित हो गया है। साउथ एक्सटेंशन और मिंटो रोड जैसे क्षेत्रों में पानी जमा होने के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई अंडरपास भी जलभराव से प्रभावित है। स्काईमेट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल मानसून की विदाई की तारीख 17 सितंबर रखी गई है, जो राजस्थान के पश्चिम इलाकों से शुरू होगी। पिछले कुछ वर्षों में मानसून की विदाई में देरी देखी गई है। दिल्ली में मानसून की वापसी की सामान्य तारीख 2 सितंबर है, जबकि पिछले साल यह विदाई अक्टूबर के पहले सप्ताह में हुई थी। IMD के अनुसार 14 सितंबर से बारिश की तीव्रता में कमी आएगी और 15 से 17 सितंबर के बीच इसमें और कमी की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।